नमस्कार, बनारसी थाली में मैं सिंपी अग्रहरी आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं क्रिस्पी चॉकलेट। क्रिस्पी चॉकलेट बनाने के लिए हमें चाहिए मिल्क कंपाउंड चॉकलेट 200 ग्राम, डार्क चॉकलेट 150 ग्राम, वाइट कंपाउंड चॉकलेट 100 ग्राम, 10 पीस बिस्किट, मिक्स ड्राई फ्रूट्स हाफ कप और एक कप दूध। हम बिस्किट्स को छोटे छोटे टुकड़ों में हाथों से तोड़ लेते हैं। इसे बहुत ही छोटे टुकड़ों में करना है, पाउडर नहीं बनाना है। और बिस्किट आप कोई भी ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। और चॉकलेट हमने लिया है मोडे कंपनी का, ये आसानी से बेकरी शॉप पे मिल जाते हैं। और अब हम पैन गरम करते हैं और इसमें एक कप दूध डालेंगे। इसे धीमी आंच पे रखेंगे और इसमें डालेंगे डार्क चॉकलेट और मिल्क कंपाउंड चॉकलेट। मिल्क कंपाउंड चॉकलेट हम डालेंगे 150 ग्राम। इसे बराबर चलाते रहना है और गैस को धीमी आंच पे ही रखना है। मेल्ट होने के बाद हम इसमें डालेंगे 100 ग्राम डार्क चॉकलेट। इसे भी हम गरम करते हैं और मेल्ट हो जाने के बाद गैस बंद कर देते हैं और इसे ठंडा करते हैं बराबर चलाते रह के। इसमें डालेंगे अब हम बिस्किट्स और ड्राई फ्रूट्स। आप चाहें तो इसमें एसेंस भी डाल सकते हैं किसी भी फ्लेवर का, और ये ऑप्शनल है एसेंस, आप चाहें तो डालें या ना डालें। और अब हम इसे फ्रिज में रखेंगे 10 मिनट के लिए। तब तक हम चॉकलेट मेल्ट कर लेते हैं। चॉकलेट मेल्ट करने के लिए हमने लिया है गर्म पानी एक कटोरी, और उसके ऊपर हमने चॉकलेट रख दिया है दूसरी कटोरी में। और अब हम फ्रिज से निकाल लेते हैं, 10 मिनट हो गए हैं। फ्रिज से निकालने के बाद हम हाथों पे इसके छोटे छोटे बॉल्स बनाएंगे चॉकलेट के। और एक ट्रे पर हमने फॉयल ले लिया है और एक एक करके बॉल बनाते जाएंगे और उस पर रखते जाएंगे। आप चाहें तो बटर पेपर या फिर किसी भी प्लास्टिक पर भी इसे रख सकते हैं, बस ट्रे नीचे रखिए। और इसे बॉल्स बनाने के बाद हम दोबारा से फ्रिज में रखेंगे 10 मिनट के लिए। और उसके बाद हमने जो चॉकलेट मेल्ट किया हुआ था उसमें इसे डीप करेंगे। हमने डार्क चॉकलेट वाइट चॉकलेट दोनों मेल्ट किया हुआ है और एक एक करके दोनों में हम डीप करते जाएंगे और इसे दोबारा से फ्रिज में रखेंगे। अब हम इसे फ्रिज में रख देते हैं 10 मिनट के लिए। तब तक हम डेकोरेशन के लिए मेल्ट किए हुए चॉकलेट को कोन में भर लेते हैं। और अब हम फ्रिज से निकालेंगे और इसमें जो एक्स्ट्रा चॉकलेट है इसे चाकू की हेल्प से कट कर लेते हैं। इसे हल्के हाथों से ही पकड़ना है, नहीं तो ये टूट जाएंगे। एक एक करके हमने सारे चॉकलेट्स को कट कर लिया है जो एक्स्ट्रा चॉकलेट थे। अब हम इससे डेकोरेट करेंगे। आप अपनी मनचाहे तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं। हमने चॉकलेट्स के ऊपर चॉकलेट से ही डेकोरेशन किया है और स्प्रिंकल्स भी डाले हैं, वो मैं दिखाती हूँ अभी। आप चाहें तो चॉकलेट ग्रेट करके भी डाल सकते हैं और स्प्रिंकल्स भी डाल सकते हैं। ये हमने इस पे डाले सिल्वर बॉल्स। चॉकलेट हमारा रेडी हो चुका है। ये बहुत ही टेस्टी लगता है, आप ज़रूर बनाएं इसे। और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।